कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते आज देश में लॉकडाउन चल रहा है, और इसी लॉकडाउन के चलते पूरे देश में कामकाज ठप हो गया है। और इस कामकाज ठप होने की वजह से दिहाड़ी मजदूर जो आज भूख से मरने को मजबूर है। ऐसे में हमारे देश के उद्योगपति, बॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर कहीं सामने नज़र नहीं आ रहे। देश के छोटे व्यवसायी जो अपना घर चला रहे हैं, वो लोग हर तरह से संभव मदद कर पा रहे हैं। ऐसे में हमें क्या ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए? हमें क्या ऐसे लोगों को हीरो मानना चाहिए जो हमारे साथ आज खड़े नहीं हो पा रहे हैं? हमारे बॉलीवुड के स्टार हमें ये बता रहे हैं कि मक्खियों से कोरोना हो जाएगा, थाली और शंख बजाने से कोरोना भाग जाएगा। क्या ऐसे हमारे हीरो हो सकते हैं? ऐसे लोगों को हीरो मानना बंद कर दीजिए। हमारे देश में आज बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है, उन लोगों में से बहुत सारे कम लोग जो आज मदद के लिए आगे भी नहीं आए, उन्हें समाज को एक मिसाल पेश करनी चाहिए। उनमें अक्षय कुमार, कपिल शर्मा, प्रभास राणा और ऋतिक रोशन जैसे लोग आगे आके समाज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने एक समाज में नई मिसाल पेश की है। और भी बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड हस्तियाँ और क्रिकेटर्स हैं जिनको हमें मदद की ज़रूरत है। ये लोग अगर हमारे समाज में आज मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इनको अपना हीरो मानने से इनकार कर देना चाहिए। हमें इनको अनफॉलो कर देना चाहिए, और इनके फॉलो करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती। ये लोग जब आज समाज जिस पीड़ा से गुजरा उस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो ये लोग हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? आज मीडिया जिसकी बेशर्मी की एक हद है, वो आज हमें ये बता रहा है कि तैमूर पोटी कैसे करता है, कैटरीना के अपने बर्तन कैसे धोए, जबकि उनको ये दिखाना चाहिए कि हमारे देश में मजदूर किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। इन लोगों की पीड़ाओं को हमें समझना होगा, हमारे हर एक नागरिक की ज़रूरत को समझने की ज़रूरत है। हम सब लोगों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि देश में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो और इस पीड़ा का सामना किया जा सके।